मचिया पे बैठी घुमारी घुमारी पी रही आवई तो कोई नहीं जाने तो कोई नहीं जाने हो अरे मोरे रामा जाने तो बन की को ये लिया को बोलू बोले को बोलू बोले हो जो स्वर दीना तुम कोयली को जो स्वर दीना तुम कोयली को प्यू प्यू रटाई आम की डार और सोई स्वर जननी हमका दे दो साखा कहम नरेशन क्या कोयल बिना ना जी भई हम राजा कोयल बिना ना जी भई हम राजा कोयल बिना। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए एमए बीकॉम एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद बिस्वा रोड पकरिया सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। आज हम आपको कोयल पक्षी के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कोयल काली जरूर होती है लेकिन उसमें कोई गुण भी होते हैं, उन गुणों का भी बखान करेंगे और उस भारतीय संस्कृत में उसका क्या योगदान है उसको भी हम बताएंगे। कहा जाता है ईश्वर जब किसी को कोई अवगुण देता है तो उसे सद्गुण भी उपहार स्वरूप देता है। अमराइयों का पक्षी कोयल इसका जीता जागता उदाहरण है। कोयल का रंग भले ही काला हो पर उसकी मीठी बोली सबका मन हर लेती है। वो पंचम स्वर में जिस समय बोलती है उस समय वातावरण वास्तव में मनोहारी हो जाता है। कोयल पक्षी हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, इसलिए जितनी भी श्रृंगारिक कविताएं लिखी गईं उसमें नायिका की बोली की तुलना कोयल की बोली से की गई है। चाहे बसंत ऋतु हो चाहे पावस ऋतु हो, दोनों ऋतुओं पर लिखी गई कविताओं में कोयल का वर्णन जरूर मिलता है। हमारे पारंपरिक गीतों सोहर पचड़ा गीत लाचारी गीत सहित हर विधा के गीतों में कोयल का वर्णन मिलता है। किसी कवि ने कोयल की मीठी बोली और कौवे की कर्कश बोली की तुलना कुछ इस तरह की है। कागा काको धन हरे कागा काको धन हरे कोयल काको दे मीठे वचन सुनाए के जग अपना कर ले। सोहर गीतों में कोयल पक्षी का वर्णन कुछ इस तरह मिलता है। मचिया पे बैठी घुमारी पी रही आवई तो कोई नहीं जाने तो कोई नहीं जाने हो अरे मोरे रामा जाने तो बन की को ये लिया को बोलू बोले को बोलू बोले हो। इसी प्रकार पारंपरिक गीतों में से कोयल के संबंध में ये गीत ज्यादा प्रचलित है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा नजर लागी राजा तोरे बंगले पर नजर लागी राजा तोरे बंग जो मैं हो त्यू राजा बन की कोयलिया जो मैं हो त्यू राजा बन की कोयलिया कोह की रहती राजा तोरे बंगले में। इसी प्रकार देवी देवताओं के आवाहन गीत कहे जाने वाले पचड़ा गीतों में कोयल का कुछ इस तरह वर्णन मिलता है। अरे कोयली डारो मरवाए कोयली डारो मरवाए कोयली डारो मरवाए कोयली डारो मरवाए मोरी स्वावती नींद उचट गई नाय। यही नहीं आलखंड में एक आल्हा गायक अपने स्वर को कोयल के स्वर के समान करने की मन्नत देवी शारदा से ये कहकर मांग रहा है। जो स्वर दीना तुम कोयली को जो स्वर दीना तुम कोयली को प्यू प्यू रटाई आम की डार
और स्वर जननी हमका दे दो साखा कहम नरेशन क्यार। और गया न किन्हीं जिन कल युग में कासिम घोर दान ना दीन और हाँ के बैरी ना जिन मारा ना हक जन्म जगत मालीन। किसी कवि ने कोयल नामक शीर्षक से एक कविता भी लिखी है जिसकी शुरुआती पंक्तियाँ ये हैं। काली काली कुंकू करती जो है डाली डाली फिरती अपने धुन में कुछ है ऐठी छिपे हरे पत्तों में बैठी। पंचम स्वर में वह गाती है सबके मन को ललचाती है। कोयल पक्षी पर जितना भी कहा जाए वो कम ही है। इसका वर्णन फिल्मी गीतों में भी मिलता है। कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 सूरत है कितनी भोली कुकु 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 कु। अरे पारंपरिक गीतों में एक गीत भी प्रचलित है जिसमें कोयल का उल्लेख आया है। कोयल बिना ना जीबई हम राजा कोयल बिना ना जीबई हम राजा कोयल बिना। इससे ये सिद्ध होता है कि कोयल हमारी मानव संस्कृति में कितनी घुली मिली है। उसके बगैर हम अपनी भारतीय संस्कृति में अकेले हैं। पर्यावरण भी इसके अभाव में सूना सूना सा लगेगा। किसी कवि ने कहा है अम्बुआ की डाली पर बैठ कोयलिया धोए धोए पात सरसे लगे। ये पक्षी बहुत ही सीधा सज्जन पक्षी होता है। इसका नर पक्षी का रंग हल्का भूरा तथा मादा पक्षी का रंग कौवे की तरह गाढ़ा काला होता है। ये कौवे की अपेक्षा काफ़ी दुबली पतली होती है। जानकार लोगों का कहना है कि कभी कभी चालाक कौवे अपने अंडे कोयल के घोंसले में रखाते हैं जिसे कोयल सेती है। तो कुछ का कहना है कि कोयल कौवे के घोंसले में रखाती है। इसमें अभी विरोधाभास है। कोयल अमराइयों का पक्षी है इसलिए आई इंडिया अपील करता है कि आम वृक्षों की कटान न हो और भविष्य में आम वृक्षों को अधिक से अधिक संख्या में रोपण किया जाए ताकि ये पक्षी अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करते हुए अपनी कर्णप्रिय बोली से सभी को भविष्य में भी पीढ़ियों को आनंदित करती रहे। इनकी संख्या अन्य पक्षियों की तरह भी कम हो रही है जो पर्यावरण के प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। अभी आप लोगों को मैं जितनी हमारे पास जानकारी थी उसमें से संक्षेप रूप में आपको कोयल पक्षी पर जानकारी दी। इसी तरह आई इंडिया चैनल पर समय समय पर पशु पक्षियों और पर्यावरण के जीव जगत के बारे में जो जानकारियाँ होंगी उपलब्ध कराते रहेंगे। अब हमें दीजिए विदा और अगली बार फिर मिलेंगे किसी जीव जगत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजयलक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्या गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijayalakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया।